आइए जानते हैं फोर स्ट्रोक इंजन क्या होता है और कैसे काम करता है। सिलेंडर के अंदर किसी भी डायरेक्शन में पिस्टन की एक कंप्लीट मूवमेंट को वन स्ट्रोक कहते हैं। पहले स्ट्रोक में फ्यूल और एयर का मिक्सचर सिलेंडर के अंदर वॉल्व के खुलने पर एंटर करता है, जिसे सक्शन स्ट्रोक कहते हैं। दूसरे स्ट्रोक यानी कंप्रेशन स्ट्रोक में उस मिक्सचर को कंप्रेस करने के बाद स्पार्क प्लग से एक स्पार्क प्रोड्यूस करके जलाया जाता है। मिक्सचर के रैपिड कंबशन की वजह से सिलेंडर के अंदर मौजूद गैसेस बहुत तेजी से एक्सपेंड करती है और पिस्टन को नीचे की तरफ धकेल देती है, जिससे तीसरा स्ट्रोक यानी पावर स्ट्रोक कंप्लीट होता है। उसके बाद जले हुए फ्यूल से उत्पन्न गैसेस को बाहर निकालने के लिए पिस्टन चौथा स्ट्रोक करता है, जिसे एग्जॉस्ट स्ट्रोक कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि ये सब चीजें इतनी सही टाइमिंग के साथ कैसे होती हैं। और अब आपके लिए एक सवाल, हम जानते हैं कि प्योर चीजें मिलावट की चीजों से बेहतर होती हैं, तो हम हवा को पेट्रोल के साथ क्यों मिलाते हैं? प्योर पेट्रोल यूज क्यों नहीं करते?